सूखी खेती में हम इतना ही कर पाते थे कि हम अपना गुजारा बसरा कर लें, पैसा ऐसा कोई बचता नहीं था। और अगले साल अगर फसल अच्छी, बारिश अच्छी हो गई तो ठीक है, अन्यथा कर्ज करना पड़ता था। ट्यूबवेल के अंदर पहले 100 से 150 फीट के अंदर पानी अच्छा मिल जाता था, तो वो वाटर लेवल धीरे 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 जा करके कम होने लग गया। और इसके बाद भी लोगों को 400 फीट जाने के बाद भी पानी नहीं मिला, तो उससे लोग 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख रुपया लगाया, बर्बाद होने लगे। उस समय यहाँ पे लोगों को खाने के लिए गेहूँ भी बाहर से खरीद के लाना पड़ा, और मतलब मवेशी पशुओं के लिए ये भूसा भी बाहर से खरीद के लाना पड़ा। देवास में पीने का पानी भी ट्रेन से ले जाया जाता था, जो कि गांव-गांव में पानी भेजा जाता था, तो पानी की बहुत ज़बरदस्त कमी आ गई थी। पानी की वजह से आज जैसे देखा जाता है, सबसे बड़ी जैसे अपन बोलते हैं ना, सबसे बड़ी आफत अपने रोटी कपड़ा और मकान तीनों है, उसके बगैर अपन रह सकते। खेती में सबसे बड़ा है कि पानी चाहिए, पानी के बगैर फसल बड़ी होती नहीं है। तो हमने सोचा कि कुछ तो ऐसा करें कि अपना पूरा जो लगाया उसका रिटर्न मिले, कुछ तो नया कदम उठाना पड़ेगा। Devas is a rural and agricultural district that falls on the Malwa Plateau of central India. Characterized by black soils and a hot tropical climate, it is also the home of nearly 1,000 hamlets and villages. Traditionally, farmers relied on monsoon rains for irrigating their crops. But the green revolution of the 1960s gave them the technology to access groundwater, and they were assured an abundant water supply. However, these groundwater reserves were severely depleted within a few decades, and the previously thriving tube wells became dry. The villages began to suffer acute water scarcity. Without irrigation, they had no food, no hope, and absolutely nowhere to turn for help. तो एक बार हम अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में गए थे कोटा। जिन्होंने बोला जो आपके क्षेत्र के लिए आप बारिश का पानी संग्रह करके तालाब बनाएं, एक उनने हमें हिंट दी। तो हमें दिमाग में न पता क्या जमी कि एक अच्छा काम है, अपन इसको करें। जिस जगह खड़े अपन, ये रघुनाथ सिंह जी तोमर का तालाब है। इन्होंने तालाब की शुरुआत करी, इन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैंने इनको हंसी में कि यार ये पागलपन कर रहे हैं यार, तालाब खुदाने से क्या हो फायदा होगा। और इन्होंने बुलाया, मैं रोड से निकल गया, नहीं आया मैं। इनके दोनों भाई में विवाद हुआ कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, अपनी ज़मीन ख़राब हो रही है, ज़मीन कम हो रही है। इन्होंने नहीं मना, इन्होंने अपना जुनून था, इन्होंने तालाब बनाया। अब उसमें बारिश का पानी कुछ इकट्ठा हुआ। अब उस सिंचाई जितना हमको सिंचित किया था उस तालाब से, उसका 1,20,000 रुपये लोगों को दिखा कि इनको ज़्यादा मिला। इतना लगा कितना हमारा, 52,000। तो हमारा कुछ आत्मविश्वास बहुत बढ़ा।
आत्मा इतना बड़ा कि हम चाहो जिससे बोल रहे हैं कि तालाब खोदो सिंचाई करो, तालाब खोदो सिंचाई करो। उमाकांत उमराव तत्कालीन जो कलेक्टर थे वो जब यहाँ पर 2006 में पोस्ट हुए तो उन्होंने आकर जब किसानों से मिले, लोगों से चर्चाएं की, तो पाया कि जल का संकट ही सबसे बड़ा संकट है। लगभग ये रोज का ही ये घटना थी, होती थी कि जब मुझसे लोग मिलते थे किसी भी उद्देश्य से वो मेरे से मिलने आए लेकिन पानी की कहीं ना कहीं चर्चा शुरू हो जाती थी। मैं भी कोशिश करता था कि इस परिचर्चा को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसी चर्चा परिचर्चा में ही मुझे लग रहा था कि समाज को स्वीकार्य हल निकलेगा। तो ऐसे में एक बार एक मीटिंग के दौरान उनको एक पुराना किसान खड़ा हुआ और बोला, जी मुझे कोई संकट नहीं है। तो इन्होंने पूछा क्यों? हमने बोला साहब कि हमने तालाब खोदा है, इतना गहरा हुआ, इतनी लागत रही है और इतना फ़ायदा हुआ है, और किसान को सख्त ज़रूरत है बरसात के पानी से सिंचाई करने की, इसमें कोई लागत भी नहीं ज़्यादा। बस जैसे कहते हैं कि एक आइडिया क्लिक्स, तो इनके दिमाग में आ गया शायद यहाँ का सोल्यूशन यही है। सिविल इंजीनियर चूँकि मैं पढ़ा हूँ इसलिए मुझे समझ में भी आ रही थी कि सबसे आसान तरीका है कि हम पानी को इकट्ठा करें, तालाब बनाएं। उमाकांत वॉज नाउ कन्विंस्ड दैट द सोल्यूशन टू द वाटर क्राइसिस ले इन हार्वेस्टिंग रेन वाटर। ही बिगैन टू ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज टू स्पीक टू द फार्मर्स एंड कन्विंस देम ऑफ दिस अप्रोच। बट पर्सुएडिंग द फार्मर्स टू एलोकेट लैंड एंड मनी फॉर अ पॉन्ड वुड रिक्वायर अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। रियलिटी ये है कि खेत में तालाब बनाने को किसान तैयार नहीं होता। वो उनको लगता है कि तालाब खोदना बहुत महंगा है और इसमें बहुत हानि होगी, साथ ही उनको एश्योर नहीं होता कि तालाब भरेगा कि नहीं भरेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि यदि हम जल संरक्षण को इकोनॉमिक्स से जोड़ें, जो केवल इकोनॉमिक्स प्रॉफिट पे बेस्ड हो, तो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे और इसके लिए आगे भी आएंगे। जब हमने क्षेत्र के किसानों को से संबंधित चर्चा की तो 5 ऐसे किसान उभर के आए जिन्होंने ये कहा कि नहीं, हम अपने खेतों में तालाब बनाएंगे पहले। तो हमें एक पॉजिटिव साइन लगा। हमने हमारे यहाँ देखा कि हमारे कुएं सूख गए, नदी सूख गए, ट्यूबवेल बोर गए, हमारे सब पैसे खत्म हो, तो विकल्प यही था कि तालाब बनाओ और पानी बनाओ। When the first few farmers had agreed, a team of engineers and agricultural scientists surveyed their fields and planned the construction. The ponds were dug in the low-lying area of the field, so all the rainwater could flow into the pit. Once collected, the water could be drawn out using diesel engine pump sets and diverted to any part of the field using pipes. खुदाई के लिए एक राजस्थान से ट्रैक्टर जो स्पेशलिस्ट रहते हैं, तो इन ट्रैक्टर्स का भी उपयोग किया गया था। जैसे ट्रैक्टर्स होता था, मिट्टी को डालता था और उसके बाद उसके ऊपर से वो घूमता था, तो कॉम्पैक्शन का भी ऑटोमेटिक रोटेशन होता रहता था। When the construction was complete, the vanguard farmers waited for the monsoon rains with great anticipation. All their life's savings were at stake, and the entire year's harvest was hinged on the success of these tanks. But the very first rains brought so much water that the ponds were completely filled. When the monsoons receded, they left behind water-filled ponds, glinting in the farmlands like precious blue gems, bearing a promise of hope and happiness. और पहली बार जब बारिश हुई और जब बारिश का पानी उन्होंने एकत्रित किया और उसके बाद जब उन्होंने रबी की फसल ली, तो उन्होंने पहली फसल में ही उनकी लगाई गई लागत उसे निकाली। That year, not only were the farmers blessed with bumper summer crops, but they had enough water to recultivate the land in the winter. The profits earned through the sale of surplus grain helped them break even within one or two harvests.
उस समय हमारे गांव में एक छोटा सा तालाब बनाया गया, उस मतलब एक बीघे तालाब से 10 बीघे ज़मीन सिंचित की। लोगों ने देखा, पड़ोसियों ने देखा, हमने भी देखा, हमने भी सोचा कि क्यों, ये तो मुनाफे का धंधा है। तो हमारे यहाँ एक ऐसी होड़ सी लगी और हमने फिर यहाँ पे मतलब तालाब बनाना चालू किया। फिर एक साल में 10 तालाब बने और उसके बाद में 50 तालाब बन गए और आज हमारे यहाँ करीब 150 तालाब के बन चुके हैं। सच्चाई ये है कि अगर 400 मिलीमीटर भी पानी आ जाए पूरे साल में तो ये तालाब भर जाते हैं, जबकि हमारे प्रदेश में तो कम से कम 800 मिलीमीटर पानी आता है। अर्थात ये तालाब तो भरेंगे ही भरेंगे, किसी भी स्थिति में भरेंगे। तो कई किसान तो ऐसे हैं कि जिन्होंने शुरू में तो बड़े डरते डरते बनाए थे, छोटे छोटे तालाब बना लिए थे, लेकिन बाद में उसी वर्ष उन्होंने अपने आप बड़े की। अब इतना करने के बाद में हमारे छोटे भाई जो इतना विरोधी था, उसकी एक्टिविटी देखो आप, कि उस टाइम पे जैसे ही तालाब का पानी ख़त्म हुआ वो ट्रैक्टर लेके आता, अपने हाथ से सुपड़ी फांदता और ये जो एरिया है पूरा उसने करीबन आधे जो तालाब का हिस्सा उसने 3 फीट गहरा कर दिया। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि तालाब खोदने में 1.5 लाख से लेकर 3-4 लाख तक का खर्चा आता है। किसानों के पास शुरू में इतना पैसा नहीं होता, तो अब हमें ज़रूरी है कि कोई एक फ़ंड इकट्ठा किया जाए जिसके द्वारा लोग इसमें से इजीली जो है लोन ले सके। Although banks had initially refused to sanction loans for pond construction, they soon relented under Uma Khan's persistence and the evidence that this investment was profitable. The government also began to grant part subsidies for the construction of ponds. The administration awarded the adopting farmers the title of Bhagirath farmer, with the message that, like Bhagirath, who brought the waters of River Ganga to the earth through his perseverance, these farmers had also succeeded in bringing rainwater to this parched land. Every new construction commenced with a puja ceremony, to which every member of the village was invited. The grand spectacle provided visibility for the initiative, thus encouraging many other farmers to make ponds in their own fields. Hame laga ki ye ek sandesh ho sakta hai ki hum mentally logon ke dimag se ek vikalp ko khatam kar rahe और दूसरे विकल्प को जन्म दें। यद्यपि तालाब हजारों लाखों वर्षों से बनाया जा रहा है, लेकिन ये सिंचाई का विकल्प हो सकता है ये कभी नहीं रजिस्टर हुआ है दिमाग में। तो हमने उनसे बात किया कि ऐसा करते हैं कि जो तालाब है उसका जन्म दिवस और जो ट्यूबवेल है उसकी शव यात्रा निकालेंगे। तो उनने बताया कि ट्यूबवेल से तो पीछा छोड़ो, इसकी जिम्मेदारी तालाब निभाएगा, तो तालाब से सिंचाई करें, ये उद्देश्य था पहुंचाने का। ये बराबर मीडिया वाले ने भी साथ दिया, बहुत प्रचार किया, शव यात्रा निकाली लोगों ने, उसने रियलिटी ला दी। जब हम शव यात्रा लेके आ रहे थे, ट्यूबवेल की एक मूर्ता बनाया गया था, तो लोग उसको पैर छू रहे थे, सही में कोई मर गया। अब ट्यूबवेल का मृत्यु हो जाती है तो उसकी पगड़ी, उसका काम कौन करेगा? तो पगड़ी रस्म, अब पगड़ी कौन पहनेगा? तालाब। उसमें करीब 2-3 हज़ार किसान आए थे, उन्होंने भी देखा कि ये तालाब कैसे बनाया गया और उससे क्या फ़ायदा हुआ, उनके घर की हालत देखी, उनके घर में गए जाके कि इनके यहाँ कितना गेहूं रखा हुआ है, कितना चना रखा हुआ है, बहुत कुछ आपस में बातचीत करके ही फैल रहा है, रिलेटिव्स के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, बाज़ार में मिले वहाँ चर्चा हुई, मंडी मिले वहाँ चर्चा हुई, ये उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से फैलता जा रहा है। अब करीब 95% हमारे गांव का पूरा एरिया सिंचाई का हो गया। सिंचाई में एक पानी या दो पानी, गांव के अंदर कोई भूखा नहीं रहेगा, गांव के अंदर कोई परेशानी नहीं रहेगी, अच्छी फसल होगी, सब लोग सक्षम रहेंगे और वाटर लेवल अपने यहाँ दिन पर दिन बढ़ता है और कभी भी भविष्य में
इस गांव के अंदर पानी पीने की समस्या कभी भी नहीं आएगी जिंदगी में। जिसकी ज़मीन बची वो सब तालाब की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, खोदते चले जा रहे हैं। हजारों हजारों ऐसे ट्यूबवेल और कुएँ हैं जिनमें पानी नहीं था, सूख गए थे, वो सब रिजनरेट हो गए, उनमें पानी आ गया, लोग प्रयोग करने लगे। और ये आज स्थिति ये हो गई कि हमारा जो पूरा इलाका है वो पानी वाला इलाका हो गया। ये इस गांव का नाम पहले निपानिया था, निपानिया का मतलब होता है बिना पानी का गांव, आज पानी पानी हो गया। हमारे यहाँ जो ताल तलैयाँ बनी हैं इससे पूरा क्षेत्र कश्मीरी हो गया है, मतलब कश्मीर जैसा हो गया पूरा हरा भरा, और आपको एक इंच जगह खाली नहीं मिलेगी, पूरा पूरा हरा दिखाई देगा जहाँ तक भी आपकी निगाह जाएगी। In the past few years, Devas has won numerous honors and awards in recognition of the path-breaking work undertaken by the village communities. The movement has been growing steadily, with more and more farmers joining in every year. The estimated number of ponds in Devas has now escalated to more than 7,000. In 2012, Devas was honored with the prestigious United Nations Best Water Practices Award, calling global attention to this simple yet effective innovation and thus providing the inspiration to spark off similar projects all over the world. जब हम ट्यूबवेल से शिफ्ट करते हैं तालाब में छोटे स्ट्रक्चर्स में, जैसे यहाँ पे था रिवर सागर, तो हमारा जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो हार्डली 5-10% बचता है, क्योंकि ट्यूबवेल बहुत गहराई लिए हुए रहता है और ट्यूबवेल से पानी अगर खींचते हैं तो उसमें काफ़ी ऊर्जा लगती है। जब शुरू का पानी बह के आता है तो अपने साथ में मिट्टी कचरा ले के आता है, वो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, वो कचरा पानी उसके ऊपर 10-12 फीट पानी भर जाता है, 15-20 फीट वो मिट्टी के साथ में रहता है तो उसमें सड़ जाता है। सड़ने के बाद में जो उसमें जो परत बनती हैं 4 इंची, वो तो प्योर खाद रहता है और वो भी जैविक खाद माने उसको। उस खाद को अगर हम खोद के अपने खेत में देंगे तो रसायन से छुटकारा मिलेगा और जैविक खेती हम उससे उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अलग रहता है खाने में। तो उनकी जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो रही है और इन टर्न उनके खेत की जो ह्यूमस वैल्यू है, जो सॉइल क्वालिटी है, वो भी इम्प्रूव हो रही है। मेरी शुरुआत मेजर प्रोजेक्ट से हुई, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, नर्मदा सागर बांध है, तब मुझे ऐसा लगता था कि छोटी छोटी संरचना से क्या फ़ायदा होगा, एक बड़ा अच्छा डैम बना दो, इतने लाख हेक्टर की सिंचाई कर दो, ऐसा मेरा दिमाग में था। तो मैं बड़ा हंसता था, मुझे हंसी भी आती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, इन छोटी छोटी संरचनाओं का कम से कम लागत में अधिक से अधिक अगर फ़ायदा होता है तो क्यों ना इसे अपनाएं, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, एक सूत्र है जो जीवन को बदल सकता है, तो मेरे जीवन को भी इसने बदला। इसके माध्यम से सिंचाई करना अति उत्तम है, न कि बड़े बड़े डैम बनाकर। यहाँ का पानी बह के जाएगा साहब 200-400 किलोमीटर, वहाँ डैम बना दिया जाएगा और वहाँ के आसपास की जो बस्तियों को हटा दिया जाएगा और नीचे वाले को पानी मिलेगा। जिसको दुख होगा उसको फायदा नहीं है, जो सुखी है उसको सुख मिलेगा, कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। समान तौर पे शासकीय जो प्रावधान है 1 हेक्टेयर जमीन सिंचित करने के लिए, जो कैनाल और डैम सिस्टम में लगता है, वो 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर ये बनाए गए थे इसमें हार्डली 20,000 से 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कॉस्ट आ रही थी। तो ये सबसे कम लागत वाला है और सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, मतलब इससे हमारे गांव में क्या काफ़ी रौनक आ गई है। एक ज़माना वो था जो हर बच्चा या हर आदमी यहाँ का मायूस रहता था, आज वो मायूसी हमारी ख़त्म हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि आगे भी जैसा हमने तालाब खोदें, हम ये चाहते हैं कि ये क्रांति पूरे मध्य प्रदेश तो क्या पूरे भारत में फैले। और पानी अपना जो कलेक्ट किया हो वो देखने में बड़े आनंद है, क्योंकि दिखता है अपनी पूंजी। इससे क्या है, ये काम करने से हमारे यहाँ नहीं, पहले हमने हमारे पिताजी कहते थे कि अपने गांव में मोर है, हिरन है, और आज उन हिरनों और उन मोर को हम भी देख चुके हैं। आज हमारे गांव में बाहर से पक्षी आ रहे हैं और हिरन आ रहे हैं, लक्कड़ बग्गा आ रही है, मतलब नई नई प्रजाति के जानवर भी आ रहे हैं।
हम आज हम उनको देखते हैं, हमने आज तक पहले उनको कभी नहीं देखा। बच्चों की अब पूरा पॉकेट जो है वो पानी में हो चुका है, जलमय हो चुका है, जगह जगह छोटे 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 पॉइंट्स बन चुके हैं, तो पक्षी भी अपने आप वहाँ पे आने लगे हैं। पानी नहीं थे, पीने को पानी, नहाने धोने का पानी नहीं था। कुआ से चरु चरु बाल्टी उनसे खींच खींच को लाते थे। यहाँ से तो पूरे जुन्ना गांव है, वहाँ से बेड़ा से माथा पर बेड़ा धर धर फुलाते थे। तो अब जो होल लग गए और बर्मा भी लगे तो उससे बहुत प्रॉब्लम। इस हरनाउदे में पहले सब कच्चे मकान थे, अब टोटल पक्के मकान है। आजकल तो गाड़ी फोर व्हीलर टू व्हीलर बहुत सारी हो चुकी, बाकी पहले कुछ भी नहीं था, जाना आना पैदल जाना था, कहीं पे भी सड़कें नहीं थी, आजकल तो सब पक्की सड़कें बन चुकी है। हमारे यहाँ प्रति घर पर शौचालय है, करीब करीब प्रति घर पे है। बाकी अब तो गांव में अब स्कूल खुला, 2-3 साल हो गए वहाँ पे, अच्छा CBSE अच्छा है, तो आजकल वैसे दूर दूर से लोग आने लग गए उसमें। किसी किसी लोगों की ये रहती कि नहीं अभी पैसे नहीं है, लड़का ही पढ़ ले वो ही कमाएगा, लड़की क्या करेगी पढ़ के। पर आजकल क्या लोगों की आमदनी बढ़ी, उन्होंने सोचा लड़का और लड़की सब समान, सबको साथ में एक जैसा रखे, साथ में जाना, एकदम हर व्यक्ति की सोच में बदलाव आया आजकल। दरबार ने तरवा खुलाया जब से मेरे को डबल मजदूरी मिल रही है, दिन के अलग देते हैं मेरे को, रात के अलग देते हैं मेरे को, हाँ, और सब बात से मेरे को अच्छी दाड़की मिल रही है, हाँ, मेरे परिवार पाल रहा हूँ, मेरा धन ढोरे बकरा बकरी ढोर भैंस वो सब मेरे यहीं से पलते हैं। और 2006 में जब मूवमेंट शुरू हुई और 2010 तक चार साल में शायद 4,500 तालाब बन गए थे। 4,500 तालाब काफ़ी होते हैं, अगर हम हेक्टेयर मीटर देखें तो शायद 10,000 हेक्टेयर मीटर पानी उन्होंने इन्हीं तालाबों में रोक लिया था। पर आज देखने पर मालूम पड़ता है कि अपनी पूरा क्षेत्र सिंचित है, हम कभी सोचते नहीं थे कि हमारे सिंचित होगा। एक सारे अगर पूरे हम अगर देखें भारत भूमि में भी अगर देखें तो तालाबों के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता था। जब से हमें धरती के नीचे से जब पानी खींचना आ गया तो शायद हमारी ये जो ट्रेडिशनल परंपराएं थी ये उपेक्षित होना शुरू हुई। वर्षा का जल किसी ने अगर संभाल के रखा है, पुनर्भरण किया है, तो उससे ज़्यादा अच्छा पुण्य का काम दूसरा नहीं हो सकता।